गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड 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 मॉर्निंग 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 वेलकम टू दी लेक्चर नंबर फोर्टीन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो यहां पर हमारा सेशन चल रहा है सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बेटा अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे बता देंगे विजिबिलिटी क्लियर है तो मुझे बता देंगे ठीक है मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो आप लोग बता देंगे विजिबिलिटी अगर आप लोगों को प्रॉपर है तो बता देंगे आज काफी इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि जो थिन प्रेशर वैसल्स अभी तक हमने पढ़ा है ठीक है उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखेंगे और जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा प्रीवियस ईयर गेट में आया हुआ न्यूमेरिकल है और इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि गेट में कितने इजी सवाल पूछे जाते हैं थिन प्रेशर वेसल से अगर मैं कंपेयर करूं तो ठीक है थिन प्रेशर वेसल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं ना बहुत इजी होते हैं बेटा बहुत इजी मतलब एक ही दो क्वेश्चन होंगे जिसमें शायद आपको लगेगा कि हाँ सर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है बाकी लिटरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं ठीक है मैंने आप लोगों को जो दो लेक्चर्स पढ़ाया था प्रीवियस जो थिन प्रेशर वेसल्स का उसमें मैंने पूरा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट दिया था पहले सेशन में जो पहला लेक्चर था थिन प्रेशर वेसल का उसमें मैंने बताया था कि हम थिन प्रेशर वेसल में एक्चुअली पढ़ते क्या हैं? हम पहले प्रेशर वेसल से हमने चालू किया था कि सर प्रेशर वैसल होता है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर वैसल ठीक है उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा उसके बाद हमने पढ़ा कि दो टाइप्स के प्रेशर वेसल्स हो सकते हैं दो टाइप से मतलब वेसल्स के ऊपर प्रेशर लग सकता है इंटरनली भी लग सकता है एक्सटर्नली भी लग सकता है इंटरनली का तो हम कॉमन एग्जाम्पल्स देखते रहते हैं घर में सिलेंडर होते हैं ठीक है जो हॉस्पिटल में आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं नाइट्रोजन सिलेंडर्स होते हैं जब आप ऑटोमोबाइल्स में जाते हैं जब आप किसी गैराज में जाते हैं वहां पर भी आपको दिखते हैं बेटा तो ये सब तो इन, ये जो इंटरनली जो फ्लूड प्रेशर लगाता है कंटेनर पे उसके तो एक कॉमन एग्जाम्पल होते हैं एक्सटर्नली में भी मैंने क्या बताया था सबमरी बताया था स्कूबा डाइवर्स जो अपना पहन के जाते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो आपका एक्सटर्नली प्रेशर वेसल की बात हमने की थी तो मैंने सिलेबस में क्या बताया था मैंने सिलेबस में बताया था कि सर हमें सिलेबस में सिर्फ इंटरनली एक्साइटेड प्रेशर वेसल्स के बारे में पढ़ना है वो वेसल्स के बारे में उन प्रेशर वेसल्स के बारे में जिसमें जो हमारा प्रेशर है फ्लूइड की वजह से वो कैसे लग रहा है सर इंटरनली लग रहा है ये मैंने आपको बताया उसको भी मैंने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया था सर एक थिन प्रेशर वेसल्स था और एक कौन सा था बेटा थिक प्रेशर वेसल था थिन प्रेशर वैसल में हमने क्या पढ़ा था सर थिन प्रेशर वैसल में हमने ये पढ़ा था सर कि थिकनेस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो वन बाय ट्वेंटी से क्या होना चाहिए बराबर या उससे कम होना चाहिए अगर वन बाय फिफ्टीन या वन बाय टेन से ज्यादा है थिकनेस और डायमीटर का रेशियो थिक प्रेशर वैसल्स में आ जाएगा अब थिक प्रेशर वैसल्स हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आईईएस जैसे यूपीएससी में अगर आप मैकेनिकल लेते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा ठीक है लेकिन क्योंकि हम यहां पर गेट पर फोकस्ड है गेट से रिलेटेड है तो हम यहां पर पढ़ेंगे मैंने आपको कहा भी था कि इन केस अगर आपको पढ़ना है थिक प्रेशर वेसल्स तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा तभी मैं पढ़ाऊंगा वरना कोई मतलब नहीं है और जो भी गेट के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं ना बेटा वो सिर्फ थिन प्रेशर वेसल्स के ही पूछे जाते हैं आप हर क्वेश्चन में देखेंगे थिन 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 करके उसने आपको लिया है ठीक है तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं ओके okay. इसके बाद हमने क्या पढ़ा सर थिन प्रेशर वेसल्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा ठीक है कि सर वहां पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होता है आ, आ, आपके डायमेट्रिक यानी सर्कम फेरेंशियल डायमीटर पे होता है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में क्या होता है सर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो मेरा प्रेशर होता है ना वो क्या करता है सर लेंथ को इंक्रीज करता है ठीक है जो आपका सर्कम फरेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगता है वो सर्कम फेरेंस को इंक्रीज करता है तो हमने पढ़ा था सर वो टेंसाइल नेचर का होता है ठीक है अगर प्रेशर की इंटेंसिटी या स्ट्रेस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा सर सर्कम फाइनेंशियल स्ट्रेस के केस में सिलेंडर को क्या करेगा दो इक्वल ट्रफ में टीआरओय दो इक्वल ट्रफ में क्या करेगा डिवाइड कर देगा सर ठीक है इसके अलावा एक और कौन सा होता है सर रेडियल होता है लेकिन रेडियल जो स्ट्रेस होता है ना वो इंटेंसिटी वाइज प्रेशर के ही बराबर होता है जो आपके किसके अंदर लगता है सर प्रेशर प्रेशर वेसल के अंदर लगता है और क्योंकि थिन वेसल्स में हमारे प्रेशर की इंटेंसिटी बहुत कम होती है तो हम रेडियल स्ट्रेस को क्या करते हैं सर नेग्लिजिबल मान के चलते हैं ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में हम उसे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते क्योंकि स्टिल आपका जो प्रेशर वेसल्स होता है जो थिन प्रेशर वेसल होता है उसके अंदर जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है वो आपकी पांच मेगा पासकल से सात आठ मेगा पासकल तक वेरी कर सकती है तो इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बट हम न्यूमेरिकल पर्पज से उसको हम क्या करते हैं सर उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं इसलिए हम सिर्फ दो ही प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं दो ही स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं किसके बारे में सर सर्कम स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस लेकिन हमें जहां तक प्रैक्टिकल नॉलेज है ये चीज हमें होना चाहिए ये चीज हमें पता होना चाहिए हो सकता है इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ दिया जा ये है ना, ये सारी में जाएगा और हमने क्या पढ़ा था सरकम स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था तो एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम चैप्टर टू पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर टू और चैप्टर टू कल आपका खत्म भी हो जाएगा हम यहां पर इतने न्यूमेरिकल्स कर लेंगे उसके बाद

एंड आपका गेट 24 अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो गेट 23 या 24 के लिए आप फाइट करेंगे और यहां पर बेटा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो ये जो आपका सब्जेक्ट है और जो बाकी सब्जेक्ट भी है ठीक है उसके लिए भी आपका एक बेस प्रोवाइड करेगा तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ओके बेटा चलिए अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है अब यहां पर मैंने जो प्रीवियस क्लास में स्ट्रेन के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने किसके बारे में बताया था बेटा स्ट्रेन के बारे में बताया था तो हम यहां पर स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे थे हम यहां पर किसके बारे में पढ़ रहे थे सर स्ट्रेन के बारे में ठीक है सबसे पहले तो हम लोग एक सिलेंडर सिलेंड्रिकल वेसल आपका बना देते हैं मैं यहां पर क्या बना देता हूं बेटा सिलेंड्रिकल वेसल बना देता हूं लेट मी ड्रॉ सिलेंड्रिकल वेसल ठीक है सिलेंड्रिकल वेसल ठीक सिलेंड्रिकल वेसल बना देता हूं ओके okay. यहां पर ये जो है बेटा ये लेंथ ऑफ द वेसल है ठीक है ये क्या है बेटा ये आपका लेंथ ऑफ द वेसल है ठीक है ये आपका क्या है बेटा डायमीटर है ये आपका क्या बेटा इंटरनल डायमीटर है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा जिसको हम डी से डिनोट करते हैं और यहां पर ये जो है बेटा ये आपका है थिकनेस टी ठीक है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना है बेटा पाई बाय फोर डी स्क्वायर ठीक है बेटा और क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है अगर ये सिलेंडर है तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा बेटा इसका क्रॉस सेक्शन एक सर्कुलर होगा मैंने यहां पर आपको स्ट्रेस और आपका जो हुप स्ट्रेस सॉरी आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है इसके लिए मैंने आपका डेरिवेशन भी बताया था कि आप उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और वो बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है तो मैंने यहां पर आप लोगों को ये चीज सिखा दिया था बेटा कि जो सर्कम स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है सर पीडी बाई जहां पर P क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो इस फ्लूड की वजह से कंटेनर पे लग रहा है ठीक है पी की जो वैल्यू होती है वो किसमें होनी चाहिए सर पास्कल में होनी चाहिए ठीक है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दूसरी चीज डी आपका इंटरनल डायमीटर है डायमीटर में होना चाहिए सर मीटर में होना चाहिए जो उसका ऐसा यूनिट है वो मीटर में होना चाहिए बट जो हमारा सिलेंडर होते हैं ना बेटा वो वो मीटर में नहीं होते हैं जो हमारे सिलेंडर होते हैं ना सिलेंडर का थोड़ी ना आपका डायमीटर मीटर में होगा वो मिलीमीटर में होगा स्टिल मैं न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए क्या बोल रहा हूं कि सर उसका जो होना चाहिए ऐसा यूनिट वो मीटर में होना चाहिए तीसरा क्या बेटा टी टी भी आपका क्या है सर थिकनेस में अब ये तो थिकनेस तो वैसे भी बहुत कम है हम थिन प्रेशर वेसल्स की बात कर रहे हैं तो पांच एमएम दस एम एम आठ एम एम इस टाइप का ही आपको क्या देगा बेटा थिकनेस देगा ठीक है आप जब भी न्यूमेरिकल देखेंगे ना आप जब भी न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप देखिएगा उसमें जो आपको थिकनेस का जो डायमेंशन देगा ना वो जो मैग्नीट्यूड देगा वो देगा पांच एम एम दस एम एम आठ एमएम और डायमीटर का कितना आपका मैग्नीट्यूड देगा टू हंड्रेड एमएम टू फिफ्टी एम एम इस टाइप से देगा क्योंकि वो जो थिकनेस अपॉन डायमीटर का जो रेशियो है ना उसको उसको मेंटेन करके चलना है मतलब वन बाय ट्वेंटी से उसको कम लेके ही चलना yeah. है ठीक है तो यहां पर जब हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर रहे थे बेटा यहां पर जब हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर रहे थे तो स्ट्रेन में पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था सर पहले हमने लॉन्ग सरकम स्ट्रेन को कैलकुलेट किया था सरकम स्ट्रेन सरकम स्ट्रेन क्या होता है बेटा सिग्मा सी बाय माइनस म्यू सिग्मा एल बाई यही हमने किया था ठीक है मैंने यहां पर क्या बताया था सर अगर रेडियल डायरेक्शन के स्ट्रेन को भी मैं कंसिडरेशन में लेता तो यहां पर मैं उसको रखता माइनस म्यू सिग्मा आर बाई बट सिग्मा आर की इंटेंसिटी किसके बराबर थी सर सिग्मा आर की जो इंटेंसिटी थी वो प्रेशर के ही बराबर थी ये मैंने आपको समझाया था क्रॉस सेक्शन लेके प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा है ना कभी भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा हो सकता है इंटरव्यू में आपसे ये चीज पूछ दिया जाए और लिटरली ये पूछा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसरो के इंटरव्यू में पूछ देता है ये आपका क्या है बेटा ये आपका वहां पर ये पूछा गया था मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये आपका एक प्रेशर ये ऐसे करके बोतल था बेटा बोतल को जो इंटरव्यू देने आए थे स्टूडेंट उसके सामने रख दिया गया था और बोला था कि तीन डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रेसेस यहां पर लग रहे हैं इस बोतल में ठीक है बोतल में ऑफकोर्स पानी था ठीक है तो वो बोल रहे थे कि उनका डायरेक्शन आप हमें शो करिए तो बहुत सारे बच्चों को सिर्फ दो ही चीजों के बारे में पता था कि हां थिन प्रेशर वैसल है आई कैन कंसिडर इट एज अ थिन प्रेशर वैसल तो यहां पर वो लॉन्गिट्यूडनल बोल दे रहे हैं हुप स्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं पर रेडियल के बारे में वो नहीं बता पाते थे तो जो बताए होंगे वो बताए होंगे ऐसा तो नहीं अब भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर के कोई इंटरव्यू तक तो गया तो उसकी नॉलेज तो अच्छी होगी बट एट दैट मोमेंट था हमें लगता है कि अचानक से कोई चीज ऐसी पूछ दी जाती है ना जो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं पर ये होता है तीन प्रेशर वेसल में भी इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है ठीक है ओके ओके बेटा और जब आप न्यूमेरिकल 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 देखेंगे देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा नुमेरिकल नुमेरिकल से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है ठीक है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर सिग्मा सी सरकम स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है सर पीडी बाय टू टी ठीक है बाय ई माइनस म्यू इन टू पी डी बायर टी यही होता है सर यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं सर पी डी बाई टू टी मैं कॉमन ले लिया ये क्या हो गया टू ठीक है आपका आ गया ठीक है अगर मैं म्यू को इन टर्म्स ऑफ पॉइजन नंबर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर सर कम फ्रेंशियल स्ट्रेंथ पी डी बाय टू टी क्या हो जाएगा सर वन माइनस वन बाय टू ठीक है इसको मैं ऐसे भी, भी लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ठीक है ये मेरे किसकी वैल्यू इसी तरह से मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू बताई थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा सिग्मा एल बाई सिग्मा एल बाई माइनस म्यू सिग्मा सी बाई ठीक है ये सब हमने कहा कौन से चैप्टर में डिस्कस किया है सर चैप्टर नंबर वन में डिस्कस किया है कि ये कैसे आता है ठीक है अब ये देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या होगा पीडी बायर टी माइनस म्यू पी डी बाय टू टी ठीक है यहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा सर यहां से मेरा निकल के आ जाएगा पी डी जाएगा सर टू टीई कॉमन आ जाएगा आ, वन बाय टू माइनस म्यू ये आपका क्या आ गया स्ट्रेन की वैल्यू आ गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई ये गईट्यूडनल स्ट्रेन की आपकी वैल्यू आ गई ठीक है बेटा ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू आ गई नाउ थोड़ा सा और ध्यान देते हैं इसमें इसके बाद हमारे पास क्या बचता है इसके बाद हमारे पास बचता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए हमको सारे स्ट्रेन को निकालना है हमको जो नॉर्मल स्ट्रेन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है सर जो प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं रिमेंबर माई वर्ड्स मैं क्या बोल रहा हूं जो प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं उन प्लेन्स में सिर्फ हमारे एक्जियल स्ट्रेसेस ही हो रहे हैं तो एक्जियल स्ट्रेसेस की वजह से जो स्ट्रेन हमारा प्रोड्यूस होगा नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो नॉर्मल स्ट्रेन हमारे तीन टाइप्स के होते हैं एक हमारा होता है लेटरल एक हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक हमारा क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक तो यहां पर हमको वॉल्यूमेट्रिक भी निकालना पड़ेगा तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना चाहता हूं अगर मैं यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना चाहता हूं वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर मैं यहां पर बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना चाहता हूं ठीक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की क्या वे, क्या मतलब होता है सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन ये क्या आता है बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम ठीक है इसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा इसको मैं यहां से क्या लिख सकता हूं इसको मैं यहां से लिख सकता हूं इसको मैं यहां से लिख सकता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बाय वी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं बेटा ठीक है अब देखिए अगर मैं एक सिलेंडर की बात कर रहा हूं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिलेंडर अगर मैं एक सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो सिलेंडर में ये जो मेरे पास ये सिलेंडर है बेटा मैं इसको क्या करता हूं पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ठीक है ये मेरे पास एक क्या है बेटा सिलेंडर है मेरे पास एक सिलेंडर है ठीक है? है ये मेरे पास क्या बेटा, सिलेंडर। अब इस है। यही मेरा वॉल्यूम होता है बेसिक ज्योमेट्री है ना ओके यानी कि v की वैल्यू क्या है सर पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल जहां पर डी क्या बेटा इसका इंटरनल डायमीटर होगा और एल क्या बेटा एल यहां पर आपका होगा लेंथ ऑफ दी सिलेंडर कोर्स। अब अगर मैं यहां पर स्ट्रेसेस की कंसिडरेशन को देखूं अगर मैं यहां पर देखूं सर यहाँ पर दो टाइप के जो स्ट्रेस लग रहे हैं सिग्मा सी और सिग्मा एल इन दोनों की वजह से जो इनका डायमेंशन है वो क्या हो रहा है बेटा चेंज हो रहा है चेंज इन शेप आ रहा है ना बेटा चेंज इन सॉरी चेंज इन साइज हो रहा है यहां पर तो यहां पर जो डायमीटर है फाइनल डायमीटर है वो कितना हो रहा है सर डी प्लस डेल्टा डी ठीक है ओके okay, और फाइनल जो लेंथ है वो कितना हो रहा है सर एल प्लस डेल्टा एल यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा कुछ डायमीटर में भी इंक्रीज हो रहा है कुछ आपका क्या हो रहा है बेटा लेंथ में भी यहां पर इंक्रीज हो रहा है ओके सो यहां पर अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहता हूं मतलब वी प्लस डेल वी अगर मैं निकालना चाहता हूं वी प्लस डेल वी की वैल्यू अगर मैं यहां पर आप लोगों के लिए निकालना चाहता हूं तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी मेरी सर वो निकलेगी पाए बाय फोर पाए बाय फोर डी प्लस डेल्टा डी का स्क्वायर प्लस सॉरी इन टू इन टू क्या हो जाएगा सर एल प्लस डेल्टा एल ठीक है ये क्या होगा मेरा वॉल्यूम जो कि स्ट्रेस को लगने के बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यहां पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये देखिए क्या होगा v प्लस डेल इज इक्वल टू By four, ये क्या हो जाएगा सर डी स्क्वायर प्लस डेल्टा डी स्क्स टू डी डेल्टा डी ठीक है इन टू क्या हो जाएगा सर एल प्लस डेल्टा एल अब यहां पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ना बेटा जो भी हम लोग सिलेबस में अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस में पढ़ते हैं जो भी हम लोग डिफॉर्मेशन की या फोर्सेस की या लोडिंग कंडीशन की जब हम एनालिसिस करते हैं ना तो यहां पर हम बहुत सारे एजप्शन को लेकर चलते हैं जैसे जब चैप्टर वन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बोला था कि जो मटेरियल होगा जिसमें भी डिफॉर्मेशन लग रहा है जिसमें भी कुछ टाइप के चेंजेस आ रहे हैं ठीक है वो मटेरियल में हम क्या मान के चलते थे सर वो होमोजीनियस आइक्रोटॉपिक होगा ठीक है मैं जब लोडिंग कंडीशन मान के चलता था तो लोडिंग कंडीशन में मैं बोलता था कि भाई बॉडी या तो मेरी रिजिड होगी और अगर डिफॉर्मेशन होगा भी तो आफ्टर सम टाइम द बॉडी विल अटेन द है अगर मैं डिफॉर्मेशन की बात करता हूं डिफॉर्मेशन इन साइज की बात करता हूं तो वहां पर भी मैंने आपको क्या बताया था कि सर जो डिफॉर्मेशन होता है ना उसको हम बहुत छोटा लेके चलते हैं यानी कि ये जो डेल्टा डी और जो ये डेल्टा एल की जो हम बात कर रहे हैं बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए बहुत ही क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए तो यहां पर बेटा अगर मैं वी प्लस डेल्टा वी को यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा वी प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू बेटा ये हो गया पाई बाय फोर ये देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर एल प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस इसको देखिए डेल्टा डी स्क्वायर एल ठीक है अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊं प्लस डेल्टा डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा टू डी एल ठीक है टू डी एल डेल्टा डी टू डी एल ये क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा डी प्लस ये हो जाएगा टू डी डेल्टा डी डेल्टा एल ये आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा ये आपका क्या होगा बेटा फाइनल वैल्यू निकल के आएगा अब देखिए क्योंकि पर डेल्टा डेल्टा एंड बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है बहुत ही ज्यादा क्या बेटा स्मॉल क्वांटिटी है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा मैं यहां से दो तीन चीजें लिख सकता हूं डेल्टा डी स्क्वायर यह वैल्यू तो और भी ज्यादा छोटी होगी इसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा नेग्लेक्ट कर सकता हूं ये तो उससे भी ज्यादा छोटी वैल्यू होगी इसको भी मैं क्या कर सकता हूं बेटा काट सकता हूं नेग्लेक्ट कर सकता हूं उसके बाद क्या है बेटा ये वाली वैल्यू भी हम क्या करेंगे काट देंगे मतलब यहां पर ये जो तीन वैल्यूज है ये बहुत ज्यादा छोटी है तो हम इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे इसको हम क्या करके चलेंगे सर नेग्लेक्ट करके चलेंगे ठीक है इसको जब मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा मेरे पास क्या बचेगा मेरे पास बचेगा v प्लस डेल वी इज इक्वल टू ये देखिए आ गया पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल ठीक है और मेरे पास क्या आया प्लस टू डी एल डेल्टा डी यही मेरे पास बच गया है यही मेरे पास बच गया है ठीक है तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं v प्लस डेल वी इज इक्वल टू पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल प्लस पाई बाय फोर डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा पाई बाय फोर टू डी एल डेल्टा ठीक है अब देखिए यहां पर ये जो v है v है ये v क्या है बेटा ये v है पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल ठीक है प्लस ये हो गया डेल्टा v इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी है ये वाली पूरी क्वांटिटी है है कि नहीं है बेटा तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल प्लस पाई बाय फोर ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस टू डी एल डेल्टा डी तो ये पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल पाए बाय फोर डी स्क्वायर एल भी आपका क्या हो गया बेटा कैंसल हो गया ये भी आपका क्या हो गया बेटा कैंसल हो गया तो कैंसिल हो गया तो मेरे पास फाइनल चेंज इन वॉल्यूम क्या बचा मेरे पास फाइनल चेंज इन वॉल्यूम आपके पास बचा ठीक है पाई बाय फोर डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस टू डी एल डेल्टा डी ठीक है अब यहां पर अगर मेरे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो ये क्या हो गया डेल्टा वी बाय यही मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो पुट कर दीजिए बेटा ये क्या हो गया पाई बाय फोर डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस टू डी एल डेल्टा डी डिवाइडेड बाय पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल ठीक है तो यहां पर देखिए एक कट जाएगा पाई पाई बाय बाय फोर फोर से कैंसिल हो गया मेरे पास फाइनल क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे पास कितना आ गया ये आ गया सर डी स्क्वायर डेल्टा एल बाय डी स्क्वायर एल प्लस टू डी एल डेल्टा डी अपॉन डी स्क्वायर यह क्या हो जाएगा डी स्क्वायर तो यहां से देखिए मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आया सर डी कैंसिल मनोज गुड मॉर्निंग थोड़ा सा लेट हो गया बेटा कोई दिक्कत नहीं है मैं यहां पर अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया हूं मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को निकाल रहा हूं यहां पे मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को निकाल रहा हूं प्ले लिस्ट में शो नहीं होती है बेटा आज मैं इसको शो करवा दूंगा ठीक है मैंने बोला था एक्चुअली हमारी टेक्निकल टीम को बोला था हो सकता है उनसे थोड़ा सा लेट हो गया होगा कोई बात नहीं मनीष मैं आज ही उसको प्ले लिस्ट में करवा दूंगा सबसे पहले मैं आज यही करवा दूंगा ठीक है बिल्कुल भी चिंता मत करिए मैं प्ले लिस्ट में इसको करवा दूंगा अभी अभी उसके बारे में मत सोचिए अभी न्यूमेरिकल बनाते हैं न्यूमेरिकल बनाते हैं ना ये थोड़ा सा बचा है एक लाइन बचा है फिर न्यूमेरिकल में आ जाएंगे बहुत मजा आएगा बेटा आपसे सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे और मैं जानबूझ के कोई इजी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं लाया हूं कि टाइम पास करने के लिए इजी न्यूमेरिकल ला गया हूं। सब गेट में पूछे पूछेगा सवाल है है ना गेट बोल बोल के हवा बना देते हैं लोग कि टेंशन है 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 यार गेट है, गेट है, गेट है। गेट का सवाल तो देखो कॉन्सेप्ट आएगा तो सवाल क्यों नहीं बनेगा ठीक है गेट तो आम आदमी निकालता है ना आपके जैसे मेरे बैच जैसे एवरेज बच्चे ही तो निकालते हैं गेट चलो करेंगे ना क्वेश्चन तो यार ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय क्या है डेल्टा एल बाय एल अगर मैं प्रेशर वेसल की बात करूं तो स्ट्रेन है ना बेटा ये क्या वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस टू टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन होता है टू टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन होता है तो इसको आप नोट कर लीजिए ये बहुत काम का रिलेशन है ठीक है जब हम चैप्टर नंबर वन भी पढ़े थे ना वहां पर भी मैंने आपको बताया था वहां पर भी मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ाया था तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने क्या पढ़ाया था सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड पढ़ाया था अब यहां पर भी मैंने आपको एक कंडीशन दी थी यहां पर भी मैंने आपको कंडीशन क्या दी थी कि सर ये रिलेशन तभी वैलिड है जब आपका डिफॉर्मेशन जब आपका डिफॉर्मेशन बहुत छोटा होगा जब आपका डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा मतलब बहुत ही कम सिग्निफिकेंटली नेग्लीजिबल अमाउंट में होता है तभी तो हम डेल्टा डी स्क्वायर डेल्टा डी इंटू डेल्टा ये जो वैल्यूज होती है इसको हम क्या कर देते हैं बेटा नेग्लेक्ट कर देते हैं ठीक है यही चीज जब मैं ये ये जो रिलेशन है स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन स्ट्रेन इन रेड डायरेक्शन एक्चुअली मैं कौन सी बॉडी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता था हमारे क्यूब या क्यूबॉइड के लिए लेकिन जब मैं सिलेंडर को लेता था जब मैं पर डिफॉर्मेशन इन वाई एंड डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता था चेंज इन तो को. को और यही दो वैल्यू क्या हो जाती थी बेटा आपस में सेम हो जाती थी तो वहां पर हम क्या लिखते थे वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन हम लिखते थे बेटा ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम ही है ये वाला रिलेशन और ये रिलेशन बेटा सेम ही है ठीक है बस यहां पर ये जो ई एक्स है इसको हम क्या बोलते रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये जो ई वाई है इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा सरकमफरेंशियल स्ट्रेन इसको हम क्या बोल देते हैं सरकमफरेंशियल स्ट्रेन बोल देते हैं समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है बेटा ठीक है तो ये रहा आपका थ्योरी इससे ज्यादा थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा होगा तो स्फेरिकल्स के लिए आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना पड़ सकता है तो स्पेरिकल सेल की अगर मैं बात करूं अगरिकल शेल्स स्फेरिकल शेल की बात करूं ठीक है स्फेरिकल शेल तो यहां पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बेटा ये क्या होता है थ्री टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंशियल और टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन होता है थ्री टाइम्स ऑफ सरकम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है सरकम स्ट्रेन और हुप स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा ध्यान रखना है, स्फेरिकल शेल के, लिए, सेम होता है. स्फेरिकल शेल के लिए क्या होता है बेटा सेम होता है ठीक है सेम होता है और यहां पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो क्या होता थ्री टाइम्स ऑफ सरकम स्ट्रेन स्ट्रेन है तो यहां पर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि यहां पर जो सरकम स्ट्रेन और जो हुप स्ट्रेन है ठीक है ये सेम क्यों होता है वाई इट इज सेम इज सेम ये क्यों सेम होता है थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करें दूसरा चीज इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वाइज इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और यहां पर क्योंकि सिग्मा सी और सिग्मा एच का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और जो सर्कम डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसकी भी वैल्यू क्या होगी बेटा सेम होगी तो आपको लॉन्गिट्यूडनल या जो सर्कम स्ट्रेन है इसकी भी वैल्यू निकालनी है और इसको अपने कॉपी में नोट करना है ठीक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए मैंने यहां पर बता दिया क्यों बता दिया बेटा क्योंकि यहां पर हमको क्या करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है ठीक है ओके okay? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स कोई डाउट है तो पूछ लेंगे कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा कोई डाउट है तो पूछ लेंगे चलिए न्यूमेरिकल करें बेटा न्यूमेरिकल करें चलो चलिए

एंड इंटरनल प्रेशर ऑफ वन मेगा पासकल टेकिंग यंग मॉड्यूलर टू हंड्रेड गिगा पासकल इन पॉइंज जीरो पॉइंट टू इज ठीक है देखिए यहां पर क्वेश्चन को क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है आपको मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है ठीक है ओके आपको डायमीटर रेडियस आपको दिया है रेडियस ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर रेडियस आपको दिया हुआ है रेडियस ये कितना हो गया बेटा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर जो थिकनेस कितना कम दिया आपका, ये, आपका जो है कम दिया? सिर्फ पांच एम एम दिया है पांच एमएम mm का थिकनेस है तो थिकनेस कितना हो गया सर फाइव एम एम फाइव मतलब कितना हो गया जीरो जीरो आपका मीटर ठीक है कंपेयर टू अगर आप देखिए डायमीटर थिकनेस लगभग सौ गुना कम है आपका हंड्रेड टाइम्स लेस है ठीक है हंड्रेड टाइम्स आपका लेस है ओके okay. उसके बाद आपका क्या बोल रहा है सर आपका जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है वन मेगा लग रहा है देखिए वन मेगा मैंने कहा था ना मैक्सिमम पांच मेगा पासकल दस मेगा पासकल mm -hmm. इससे ज्यादा नहीं देगा वो आपको ठीक है तो यहां पर आपका जो प्रेशर लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है वन मेगा पासकल तो वन मेगा पासकल का कितना मतलब होता है बेटा टेन टू दावर सिक्स पासकल हमेशा कोशिश करिएगा कि ऐसा यूनिट में करें आपका आंसर सही ही आएगा ठीक है ओके उसके बाद आपका पॉइंजन रेशियो पॉइजन रेशियो, वैल्यू आपको दिया है बेटा जीरो पॉइंट टू और आपको यंग्स मॉड्यूलर ई e की वैल्यू आपको दे दिया है, कितना बेटा टू हंड्रेड गीगा पासकल टू हंड्रेड गीगा पासकल अब यहां पर आपको क्या निकालना है बेटा आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है क्या होगा बेटा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होगा बताइए तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी यहां पर न्यूमेरिकल बेटा भले थीटिकल सेशन में आप लोग नहीं आते हैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सेशन को लिया करिए और मेरे से पहले क्वेश्चन बना के ना कमेंट में लिख दिया करो ताकि मेरे को लगे कि हाँ आप लोगों को चीजें आती है मजा आएगा पढ़ने में ठीक है तो यहां पर बेटा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होगा आपका सरकम स्ट्रेन होगा सरकम स्ट्रेन की क्या वैल्यू होती है बेटा पी डी बाई टू टी माइनस न्यू यही तो वैल्यू होता है ना बेटा सरकम का कुछ भी रखना नहीं है यहां इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा ये लिख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा बेटा कॉमन हो जाएगा ठीक है बाय टू टी कॉमन निकाल सकते हो जैसा आपको ठीक लगे सारी वैल्यूज सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो सारी वैल्यूज आपको दी गई है यहां पर पुट कर दो मैं मजाक नहीं कर रहा ये गेट में आए हुए सवाल है भाई आप देख सकते हैं आप जाइए पीवाई क्यू चेक तो करो पी क्यू चेक करो गेट में आए हुए सवाल हैं एकदम इजी इजी क्वेश्चन ठीक है आपको जो सिलेबस में जो हिस्सा आपका थिन प्रेशर वेसल्स का ही है ठीक है आपको ऐसे ही क्वाल्यूज और क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी ऐसा नहीं बोलेगा कि 50 एम mm एम थिकनेस और 100 एम mm एम का डायमीटर है नहीं देगा वो आपको ऐसा सवाल आपको ऐसा ही सवाल देगा ताकि आपका इजी से आंसर आ जाए तो इसका वैल्यू निकालिए बेटा अगर आप लोग देख रहे हैं मेरा सेशन तो वैल्यू निकालिए मेरे पास कैल है मैं तो निकाल लूँगा लेकिन मुझे नहीं निकालना है एग्जाम आप लोगों को देना है मुझे नहीं देना मैं दे चुका हूँ मैं गेट निकाल चुका हूँ चलो बनाओ क्या होगा बेटा आंसर चलो मैं बना ही देता हूँ पी मतलब टेन टू दावर सिक्स इं टू डायमीटर फोर इन पॉइंट ज़ीरो जीरो फाइव टू हंड्रेड इंटू टेन टू दावर नाइन ब्रैकेट टू माइनस जीरो वैल्यू आ रहा है टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर एक बार में आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कुछ नहीं है बेटा जो भी वैल्यू है इसको पुट करिए यहां पे और डायरेक्ट आंसर बताइए जो भी वैल्यू है पुट करके डायरेक्ट आंसर बताना है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये आठ नौ लोग देख रहे हैं मेरे को तो जवाब एक का भी क्यों नहीं आ रहा है काम की बातें आप लोग ना करते नहीं है गुड मॉर्निंग बोल के गायब हो गए प्लेलिस्ट में नहीं शो हो रहा है पहले पढ़ तो लो मेरे से अभी इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो सीरियसली नहीं ले रहे हो जब हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे भड़बड़ भड़बड़ भड़ पढ़ाऊंगा ढंग से समझाऊंगा भी नहीं क्रैश कोर्स लेके आएंगे तो जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपको पढ़ाने का लेकिन उसमें इतना डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा ना इतना तो वक्त मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ठीक है तो कोशिश करा करिए बनाने का सवाल बन जाया करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है रहे थिन वॉल्ड सिलेंडर अगेन थिन थिन बोल रहा है थिन वॉल्ड सिलेंडर वेसल ऑफ अ वॉल थिकनेस टी एंड डायमी डीज

शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी जा रही है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जा रही है ठीक है सर आपने तो पढ़ाया था टाउ की वैल्यू तो जीरो होती है है तो इसमें लगता ही नहीं देखिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी जा रही है शियर स्ट्रेस जीरो कहां पे होता है जिस प्लेन पे सिग्मा सी और सिग्मा एल हमने कैलकुलेट किया है बेटा लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें जरूरी नहीं है कि हर प्लेन में क्योंकि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन अगर थ्री डायमेंशन बॉडी की मैं बात करूं देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफाइना हर प्लेन में स्ट्रेस की वैल्यू शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो ये, जरूरी नहीं है जहां पर भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है उसको हम क्या लेके चलते हैं सर Principal, प्रिंसिपल, उ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेन प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू लेके चलते हैं जहां पर भी टाउक की वैल्यू जीरो होती है लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्लेन में जीरो हो और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है ना बेटा वो क्या होता है वो क्या होता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम बाय टू मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम बाय अब यहां पर अगर आपको यह नहीं पता था कि यार यहां पर रेडियल स्ट्रेस जीरो होता है मेरा तो यहां पर आप सिग्मा मैक्सिमम को क्या लेंगे सिग्मा सी ले लोगे और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू को आप क्या ले लोगे सर सिग्मा एल ले लोगे क्योंकि हमें पता है सर सिग्मा एल इज सिग्मा सी बाय टू तो यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस आप किसको ले लोगे सर, सर स्ट्रेस को ले लोगे लोगे और मिनिमम किसको ले सर स्ट्रेस को तो ये अगर आप करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा बेटा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा मैंने आपको बताया था सिग्मा मैक्सिमम आपका सिग्मा सी है लेकिन सिग्मा मिनिमम आपका कितना है बेटा रेडियल स्ट्रेस यहां पर कितना है बेटा सिग्मा आर बाय टू ये होगा आपका फाइनल आंसर तो यहां पर देखो ये क्या आ जाएगा पीडी बाय टू टी माइनस जीरो आपका आंसर होगा बेटा ये आपका आंसर होगा हो तो ये कितना आ जाएगा बेटा पीडी टी तो देखो आपका आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी गेट ऐसे सवाल पूछता है गेट एकदम बेसिक से आप लोगों के साथ खेलेगा एकदम बेसिक से आप लोगों के साथ खेलेगा कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना बेटा देखो बहुत सिंपल सा बात है अगर आप सिर्फ ये पढ़े हो कि सिग्मा सी और सिग्मा एल होता है आप पक्का यहां पे गलती कर दोगे यहां पर आप क्या करोगे सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम बाय टू हम सबको पता है ये टाउ मैक्स की वैल्यू होती है लेकिन अगर हमने ढंग से नहीं पढ़ा है तो हम यहां पर क्या ले लेंगे सिग्मा मैक्स को हम लोग ले लेंगे? सिग्मा, लेंगे सिग्मा सी ये तो सही है ये तो सही है लेकिन सिग्मा मिनिमम हम यहां पे पता है बेटा क्या ले लेंगे हम ले लेंगे सिग्मा एल और वो गलत हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा यहां पर मिनिमम जो सिग्मा है बेटा वो है रेडियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस जो है सिग्मा ये हम क्या लेते लेते हैं हैं बेटा जीरो लेते है। थिक प्रेशर वेसल्स में हम नहीं लेंगे थिक प्रेशर वेसल में ये जीरो नहीं होता लेकिन थिक प्रेशर वेसल हमारे सिलेबस में है भी नहीं हमको पीएचडी करना है क्या नहीं हमको स्मार्ट बनना है हमको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में हमसे पूछा जाए ठीक है ओके okay, तो यहां पर बेटा आंसर पीडी बाई फोर टी अगर ये गलती करेंगे तो देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा चलो एक गलती भी कर देते हैं अपन अपन करते हैं पी डी बाई टू टी माइनस पीडी बाय फोर टी अपन टू हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पी डी बाय फोर टी बाय टू यानी कि पी डी बाई एट टी देखो यहां पर आपका ऑप्शन होगा देखो ये डी ऑप्शन है आप लोग क्या करोगे डी ऑप्शन मार के आ जाओगे आपका आंसर गलत हो जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा ठीक है मैं प्ले लिस्ट में भी हैं। और सारे प्रीवियस करवाए मैं जबरदस्ती ऐसे न्यूमेरिकल नहीं घबरा जाए दूसरे YouTube के टीचर जैसा टफ टफ न्यूमेरिकल ला के बच्चों को डरा दो क्या जरूरत है जब हमको पता है सवाल किस टाइप के आने वाले हैं तो ठीक है चलो यहां पर देखो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री अथिन सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस 500 एमएम mm. रेडियस आपको दिया है रेडियस आपको दिया है 500 एमएम mm. 500 एमएम mm. तो इसका मतलब क्या हो बेटा डायमीटर कितना हो गया 1000 एमएम mm. 1000 एमएम mm का मतलब 1 मीटर 1000 एमएम mm का मतलब बेटा 1 मीटर थिकनेस देखिए कितना कम दिया है 10 एमएम mm दिया है 100 गुना कम 100 गुना कम तो एथिन प्रेशर वेसल हो गया ठीक है थिकनेस कितना हो गया सर 10 एमएम mm. 10 एमएम mm का मतलब सर 0.01 मीटर मैं बार-बार आपको कह रहा मतलब मैक्सिमम दस मेगा तक ही वो आपको देगा उससे ऊपर की वैल्यू आपको नहीं देगा एनालिसिस इसी को कहते हैं एनालिसिस एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम पीआई क्यू को देखें हम एनालिसिस करें क्वेश्चंस का ठीक है यहां पर आपका प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना दिया बेटा फाइव मेगा पासकल फाइव मेगा पासकल फाइव मेगा मतलब इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई आपका जो सिलेंड्रिक जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो फेलियर हो जाएगा सिंपल सा केस है बेटा ठीक है एवरेज सरकमेंशियल स्ट्रेसिस अब ये एवरेज बोल के आपको क्या कर रहा है डराने की कोशिश कर रहा है आपको कुछ नहीं बेटा सिग्मा सी की वैल्यू पूछ रहा है खत्म सिग्मा सी की वैल्यू पूछ रहा है सिग्मा सी की वैल्यू पूछ रहा है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा सी क्या हो जाएगा और आंसर हमको बता देना है ठीक है इसकी वैल्यू डाल के हमको आंसर बता देना है पढ़ लीजिए बेटा मेरे से सोम बहुत इजीली आपको हर चीज समझ में आ जाएगा देखिए मैं नहीं कहता कि जो दूसरे टीचर्स पढ़ाते हो खराब पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर अननेसेसरी बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने देखा है इतना ज्यादा इतना ज्यादा थ्योरी 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 पढ़ाते जा रहे हैं भाई एक्चुअली में तो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ना तो यार नाइनटी परसेंट का मतलब नाइन्टी परसेंट न्यूमेरिकल के पूछने के चांसेज हैं तो नाइन्टी चांस अगर है कि न्यूमेरिकल पूछेगा तो क्या दिक्कत है हम न्यूमेरिकल ही बनाएंगे बस इसके वैल्यू पुट कर दो भाई क्या आ जाएगा ये पी पी हो गया रुक जाइए आपका फाइव इंटू टेन टू दावर सिक्स भाई आप लोग इसकी आदत मत डाल लेना ठीक है हमारे टाइम तो आ, ये था आप लोगों के टाइम तो वर्चुअल है आप कुछ नहीं कर सकते आप वर्चुअल में ही करिए सबसे अच्छा तरीका क्या है मोबाइल में डाउनलोड कर लो और मोबाइल से ही करो पर जब मोबाइल चलाओ तो फेसबुक मत तो ओपन कर लेना इंस्टा मत तो ओपन कर लेना ठीक है समझ में आ रहा है ये आपका डायमीटर है वन ठीक है टू इंटू पॉइंट ज़ीरो वन देखिए कितना आ रहा है बेटा मेगा पास्कल मेगा पासकल बोल रहा है देखिए टू टू फाइव जीरो के बाद छह डिजिट है टू फाइव जीरो इंटू टेन टू दावर सिक्स ये वैल्यू आ रही है तो यहां पर आपसे क्या पूछा है मेगा पासकल में पूछा है तो टू फिफ्टी मेगा इज द राइट आंसर 250 फिफ्टी मेगा पासकल एक बार आप ऐसा यूनिट में जब आप अपना आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं ना बेटा उसके बाद आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसके बाद आपको क्या करना है ना उसको आपको जिसमें भी फाइनल पूछा है उसमें वैल्यू को उसमें चेंज कर दो ठीक है बिल्कुल बेटा मनीष कर लेना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा दो लेक्चर ही है दो ले पहला लेक्चर नहीं भी देखोगे ना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पहला लेक्चर में मैंने सिर्फ यह समझाया है कि हम थिन प्रेशर वेसल में पढ़ते क्या क्या है चालीस पचास मिनट के वीडियो में मैंने सिर्फ यही समझाया अगर आप उसको नहीं भी देखेंगे तो आप सेकेंड लेक्चर से देख सकते हैं जहां पर मैंने सरकम स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और आपका रेडियल स्ट्रेस कैसे लगता है कैसे डिराइव होता है वो मैंने बताया था बस उसको आप देख लेना आपसे हो जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास बेटा सब प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं ठीक है आई लेवल के भी क्वेश्चन करवा दूंगा तुम लोगों को अब तुम लोगों को लगेगा हां सर ये तो इजी है इतना भी कोई टफ नहीं है सर हमको तो बेकार का टफ लगता था ठीक है तो भाई पढ़ोगे अच्छे से तो क्यों टफ लगेगा कॉन्सेप्ट सारा पता होगा तो क्यों टफ लगेगा एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आज की सेशन को बंद कर देंगे क्योंकि अभी बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हुई नहीं है थिन प्रेशर वेसल की और एक घंटे का सेशन वो भी जाएगा तो कल इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को आज कंप्लीट कर लेना कल न्यूमेरिकल पार्ट को फिर से कंटिन्यू करेंगे देखना आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे ठीक है अ थीन वर्ल्ड इस फेरिकल शेल अगेन आपको क्या बोल रहा है बेटा थिन वर्ल्ड बोल रहा है ठीक है आपको थिन ही पूछेगा बेटा गेट में ज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर इफ द रेडियस remaining the वन परसेंट percentage इज in इंटरनल प्रेशर रिमेनिंग is. इन okay. को तो सोम है, पर एक्चुअली में यह एप्टीट्यूड का सवाल है मेरी बात को समझिए आपको क्या बोल रहा है एक थिन प्रेशर वैसा है, सिलिंड्रिकल शेल है सिलिंड्रिकल शेल है ठीक है अब इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है सिलेंड्रिकल शेल बोल दिया आपको चलिए ठीक है सर मेरे पास क्या है सर सिलेंड्रिकल शेल है नहीं सॉरी स्फेरिकल शेल है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है स्फेरिकल शेल है स्फेरिकल शेल है मेरे पास ठीक है जी अच्छी बात है इसमें क्या हुआ है ना बेटा इसमें यह बोल रहा है कि इस स्फेरिकल शेल में कुछ प्रेशर लग रहा है इस स्फेरिकल शेल में कुछ प्रेशर लग रहा है अच्छी बात है भाई प्रेशर लगने दो होता क्या है ना कि डायामीटर को हमने क्या कर दिया है बेटा डायामीटर को नहीं रेडियस को हमने क्या कर दिया है वन परसेंट बढ़ा दिया है रेडियस को हमने क्या किया है सर वन परसेंट बढ़ा दिया है ठीक है और यहां पर जो आपका वीए है क्या बोलते हैं थिकनेस है इसको भी हमने क्या कर दिया है वन परसेंट रिड्यूस कर दिया है थिकनेस को हमने क्या किया है सर वन परसेंट रिड्यूस कर दिया है अच्छी बात है भाई अच्छी बात है

लिख सकते हैं नहीं लिख सकते लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं ना भाई मैंने क्या किया मैंने क्या किया फिर से समझिए स्फेरिकल स्फेरिकल में इस शेल में आपका जो सरकम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के ही बराबर होता है ठीक है और इसकी जो वैल्यू होती है होती है सर पी डी बाय फोर्टी डायमीटर क्या होता है सर टू टाइम्स ऑफ रेडियस होता है तो मैं लिख देता हूं उसका टू पी आर अपॉन फोर्टी से यहां पर कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा सर पी आर अपन टू टी ये किसकी वैल्यू हो गई परसेंट इंक्रीज हो गया है अच्छी बात है तो अगर यहां पर मैं फाइनल रेडियस की बात करूं आर डैश तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस वन परसेंट ऑफ आर यही लिख सकता हूं मैं तो आर डैश क्या हो गया सर वन जीरो वन हंड्रेड आर देख लीजिए सही लिखा मैंने ये क्या हो जाएगा आर प्लस वन बाय हंड्रेड इन टू आर तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वन जीरो हंड्रेड आर उसी तरह से नया थिकनेस क्या है थिकनेस माइनस वन परसेंट ऑफ ओरिजिनल थिकनेस यानी कि टी डैश आपका क्या हो जाएगा वन ये ये आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नाइनटी नाइन नाइनटी नाइन टी बाय हंड्रेड 99/100 यानी कि जो पहला रेडियस जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस के कितना है सर 101/100 टाइम्स और जो नया थिकनेस है वो पुराने थिकनेस का कितना टाइम है सर 99/100 टाइम्स 99/100 टाइम्स तो यहां पर यहां पर मेरे पास यहां पर जो मेरे पास नया सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेस होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी सर ये हो जाएगा p 101/100 अपॉन टू इंटू नाइनटी नाइन बाइ हंड्रेड टी ठीक है नया जो आपका सिग्मा या सिग्मा या होगा तो चेंज इन सरकमफेरेंशियल कितना होगा परसेंटेज चेंज हमको क्या पूछ रहा है सर परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज क्या होता है सर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड यही तो होता है यही तो होता है अब मुझे अगर सिर्फ ये फॉर्मूला पता है ना तो ये एक्चुअली में सवाल सोम का नहीं है परसेंटेज का है मतलब ये एक के जैसा सवाल बन गया है. ठीक है और मैं सोम के साथ क्या पढ़ाता हूं एप्टीट्यूड ही तो पढ़ाता हूं तो मेरे ही डोमेन की बात चल रही है तो यहां पर ये यह क्या हो जाएगा बेटा यहां पर ये यह हो जाएगा ठीक है यहां पर देखिए हंड्रेड ये हंड्रेड और ये हंड्रेड कट जाएगा हंड्रेड और ये हंड्रेड कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पी इन टू वन जीरोन टू नाइनटी माइनस

टू बाय नाइन्टी नाइन इंटू हंड्रेड ये आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा इलेवन नाइन जा इलेवन नाइन पॉइंट नहीं नाइन इलेवन जाओगे यहाँ पर यहाँ पर ये यह कितना होगा ये इलेवन इलेवन पॉइंट वन वन ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू बाय इलेवन आपका आंसर कितना आ जाएगा टू पॉइंट जीरो टू परसेंट टू पॉइंट जीरो टू परसेंट देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल वैल्यू हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू हो जाएगा ठीक है और भी क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है दस पंद्रह क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछे गए उसको भी हम लोग क्या करेंगे बेटा कल सोल्व करेंगे बहुत मजा आएगा ठीक है तो कल के सेशन में जरूर आइएगा थोड़ा इंजॉय करने की कोशिश करिएगा देखिएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे पूछते हैं उसके बाद जबरदस्त टॉपिक करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत मजा आएगा पढ़ने में वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक ठीक है और अगर कोई टीचर अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ाता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाता है मजेदार टाइप से ठीक है तो फिर कल मैं आप लोगों से मिलता हूं बेटा सुबह दस बजे एकदम रेडी रहेंगे सुबह दस बजे इसको हम पढ़ेंगे ठीक है और एप्टीट्यूड जी पर्पस में चालू हो सकता है फाइनली अभी रिवील नहीं कर रहे हैं हम पर हो सकता है कब से बेटा 19 जून से तो अगर होगा तो मेरे से ही पढ़ोगे ठीक है अब मेरे से एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो फिर और किसी से पढ़ने का मन नहीं करेगा एकदम और अगर मेरे से पढ़ने बाद के बाद भी किसी से पढ़ने का मन कर गया तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर आपने ढंग से नहीं पढ़ाया मैं पूरे लाइफ सेशन में उस चीज को लूंगा कि हाँ यार मैंने अच्छे से नहीं बताया आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं तो थोड़ा लेके चलो यार एक बार देख के तो चलो ठीक है बिल्कुल प्ले अपडेट करवा देता हूं बेटा बिल्कुल प्ले अपडेट करवा देता हूं और वहां पर देखना जब मैं जी पर्पस में पढ़ाऊंगा मुझे कितने बच्चे देखेंगे देखिएगा आप अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा डेफिनेटली या उन्नीस तारीख से उसके बाद में ठीक है चलिए तो कल आपसे सुबह मुलाकात होगी और इसमें आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे बेटा कल कम से कम कोशिश करते हैं कल कोशिश करते हैं सात आठ दस न्यूमेरिकल देखते हैं एक घंटे में हम लोग इतना बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे जरूर बनाएंगे थोड़ा सा कोशिश करिएगा ठीक है बेटा चलिए कल मिलते हैं आपसे तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए अच्छे से पढ़ाई करिए अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत वंदे मातरम